नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जा रहे हैं अपनी ऑर्गेनिक हल्दी पीसने के लिए। पहले हमने आपको दिखाया है कि हमने इसको अच्छी तरह वॉश करा है, कटिंग वगैरह करके इसको सुखाया है और इसको पीसने जा रहे हैं अपने घर पर ही। ये हमारी ऑर्गेनिक हल्दी है जो हमने अपने गार्डन में ही लगाई हुई थी। हम इसको थोड़ी थोड़ी कर पीसे हैं। हम इसमें मिक्सी में इसको डाल रहे हैं। प्रक्रिया इसकी थोड़ी लंबी है। पहले इसको पीसेंगे, फिर छानेंगे और आपको सारा दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। महाराज सच्चे पातशाह बाबा जी। ऑर्गेनिक हल्दी भी हमने सोचा भी बाजार से नहीं पिसवाएंगे, अपने घर पे ही पिसवाएंगे और पीस भी रहे हैं। बहुत ही अच्छी हल्दी हमारी पीस चुकी है। परविंदर हल्दी दोस्तों हम सोच रहे थे भी थोड़ी दिक्कत देगी, पर नहीं, बहुत अच्छे तरीके से पीसते हुए। और अब हम इसको एक बार बीच में चला के देख लेते हैं। हमें कोई जरूरत नहीं थोड़ी और पीसेंगे। हम सोच रहे थे इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा और ये हमने छलनी भी ली थी जिसको छानेंगे, पर इसको छानने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अपने आप बहुत अच्छे से सूख चुकी थी और उसके बाद ही हम इसको पीस रहे हैं। बहुत अच्छे से हमारी हल्दी पीसते हुए दोस्तों बहुत अच्छी से पीस गई है। और इधर इसको अपने इधर जार में से निकाल कर हाँ जी, फिर भी हम इसको एक बार थोड़ा छान के देखते हैं थोड़ी सी। नहीं दोस्तों कोई जरूरत नहीं है छानने की इसको। इसको छानने की जरूरत ही नहीं है।
और देखें आपने एक बात नोटिस की, बाजार वाली हल्दी का रंग कितना पीला होता है और इसका रंग कितना और ही बढ़िया आया है, नेचुरल ऑर्गेनिक हल्दी अपने गार्डन की। और मैं तो सोच रहा था बहुत टाइम लगेगा, पर मेरे सोच के सोच से अलग ही चमत्कार हुआ है दोस्तों। ये तो बहुत जल्दी ही पीसी जा रही है, मुझे तो ऐसे का भी बहुत टाइम लगेगा इसमें। पिछली बार हमने पीसी थी तो उसमें थोड़ा टाइम लगा था, पर इस बार तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया तरीके से सूख कर हमारी हल्दी पिसके हुए। हमारा चार बहुत गर्म हो रहा हो चुका है और बढ़िया अपनी हल्दी पिसाई होते हुए। अभी थोड़ी धूप में भी सूख रही है, थोड़ी बच गई है, उसको भी लेके आते हैं। हाँ जी, जो हमारी हल्दी थी एक परात हमने पीस दिया पहले, और एक और है लगभग हमने जब ये अपने गार्डन से निकाली थी तो वजन किया था इसका गिल्ली का 10 किलो वजन था, और आपको दिखाएंगे 10 किलो में से ये कितनी हमारी निकली है। और दोस्तों इसका इतना टेस्ट बहुत ही लाजवाब, जो हम बाहर से हल्दी लेते हैं कुछ टेस्ट नहीं उसके मुकाबले में, बहुत ही ज़्यादा। अगर इस अपनी हल्दी की आप एक बार बना के सब्जी खा लेंगे तो आप याद करेंगे, बड़े बड़े रेस्टोरेंटों को भी भूल जाएंगे। इसलिए मेहनत लगती है जरूर, लेके आओ बाजार से, उसको अच्छी तरह वाश करके कटिंग करके सुखा के
बहुत ही आसान तरीका है और अपने घर में ऐसे पिसाई करें, कोई मुश्किल काम नहीं। और देखिए दोस्तों, हमने अपना एक साल का कोटा पूरा कर लिया है हल्दी का, हमें बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं और बाहर से हम लेते भी नहीं। जितने मसाले हैं तकरीबन घर पे ही पिसाई करते हैं और आपको दिखाते भी रहेंगे, और आप हमारी वीडियो में हमारे साथ बने रहें और हमारा साथ देते रहें। ये ब्लॉग दोस्तों हम आपके लिए ही बना रहे हैं, भी आप भी अपने आप अपने मसालों की पिसाई करें। दोस्तों इनका टेस्टी बहुत अलग है, बहुत ही लाजवाब, और सब्जी भी बहुत टेस्टी बनती है। लगभग दोस्तों हमने इसको अभी थोड़ी धूप कम थी, अभी धूप आने लगी है, थोड़ी गर्मी तेज हुई है। लगभग 15-20 दिन तो हमने इसको सिकाया ही है, 15-20 दिन का टाइम तो इसको लगता ही है, 20-25 दिन लगा लो, इससे ज़्यादा नहीं इसको करना, सुखाना, फिर इसका रंग वगैरह उठना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों हम इसको तोलने में भी दिखाएंगे आपको लगभग कितना वजन होगा इसका, 10 किलो में से कितनी ये निकली है, ये 4 हमारा लास्ट है।
हाँ जी 10 किलो में से हमारी ये हल्दी निकली है, देखें सुखाकर कितनी है। अभी इसका वेट भी करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें। ये हम वेट मशीन लेके आए हैं और इसको तोलते हैं। लगभग 3 किलो के करीब है।